ठीक है, अब वाई क्रिस्टल्स, क्यों क्रिस्टल हीलिंग ही क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल से कैसे हीलिंग हो सकती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अभी मैं कुछ बता चुकी हूँ उसके बारे में ऑलरेडी। दीपिका जी, एनी आइडिया? देखिए, नो मैंने आपको बताया ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा यूनिवर्स। हाँ प्रियंका जी बताइए। हाँ मैम, क्रिस्टल में केमिकल होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी वो केमिकल है, तो वो क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू उन केमिकल को, उस कंपोजिशन को वो पूरी नहीं कर नहीं देते हैं, कंप्लीट नहीं नहीं कर देते नहीं प्रियंका जी, प्रियंका जी, क्योंकि हैं। हमारी बॉडी में वो केमिकल की बात नहीं है। क्रिस्टल्स से हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की। हमारी ह्यूमन आइज की जो टेंडेंसी है ना, वो सिर्फ एक विबग्योर स्पेक्ट्रम देख सकता है ना, एक स्पेक्ट्रम दे सकता है जिसके अंदर 7 रंग, इंद्रधनुष है, विबग्योर है। लेकिन उसके बियॉन्ड, इधर और इधर बहुत सब कुछ है जो हमारी ह्यूमन आइज नहीं देख सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी जो तरंगे होती है, उनकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज होती है, वी कम्युनिकेट विद देम। अब आज अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पुल, कैन वी सी दैट ग्रेविटेशनल पुल? बट द ग्रेविटेशनल पुल रियली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच वी आर ऑन अर्थ। हम अर्थ पे हैं, है ना? अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो क्या हम अर्थ के ऊपर रह पाते? बट दैट पुल इज नॉट विजिबल टू अस, इट इज ओनली दैट वी कैन फील, राइट? लेकिन जिसको हम देख नहीं पाते। दूसरा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पुल को आप देख सकते हो बट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, ठीक है? सन हीट एमिट करता है, आप हीट को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप एयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते। फील कर यस, सकते आप प्यार को देख सकते हो? कैन यू सी लव? इफ यू आर हैविंग अ गुड फीलिंग फॉर एनी वन, इफ आई एम हैविंग लव फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड यू नो प्रॉस्पर इन दिस फील्ड, कैन यू सी दैट लव, माई फीलिंग्स फॉर यू? नो, बट यू कैन एक्सपीरियंस इट। हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते बट वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। बट उसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट एग्जिस्ट, दे हैव द वाइब्रेटरी फील्ड। हाउ वी कैन एक्सपीरियंस, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। फीलिंग्स हैव वाइब्रेशन। अगर इफ आई एम फीलिंग एंगर, इफ आई एम एंग्री, ठीक है, तो वो क्या होगा? आप लोगों को पता चल जाएगा आज तो मैं बड़ी गुस्सा है ना, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन। मेरी वाइब्रेशन बहुत शूट करते हुए जाएगी, राइट? तो अभी हम क्या समझेंगे यहाँ पर इस क्लास के अंदर कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कितनी जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज होती हैं किस चीज की होती है, सटल एनर्जीज क्या होती है, कैसी फ्रीक्वेंसी? क्रिस्टल हीलिंग, वी विल टॉक अबाउट क्रिस्टल एज वेल एज हीलिंग, दे आर द सेपरेट टॉपिक्स। वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ द टॉपिक सेपरेटली, हाउ क्रिस्टल्स हेल्प इन हीलिंग। बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग, एंड फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, द मैकेनिज्म ऑफ द कॉस्मोस, राइट? आप इस ब्रह्मांड के बारे में समझिए। ब्रह्मांड में, अच्छा आप सब सोचिए क्या होता है, देयर इज अ डुअलिटी, है ना? इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? डुअलिटी है। कैसे बताइए? हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। विदाउट एनी वन ऑफ देम कैन वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ देम? अगर पॉजिटिव नहीं है तो हमें नेगेटिव की वैल्यू नहीं समझ आएगी, है ना? दोनों को हमें चाहिए, वी नीड बोथ ऑफ देम डे एंड नाइट। अगर दिन नहीं होगा तो हमें रात की वैल्यू कैसे पता चलेगा? रात नहीं होगा तो दिन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? शिव एंड शक्ति, यिंग एंड यांग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन डुअलिटी, है ना? ये सोचने वाली बात है। वी हैव टू पेयर ऑफ आईज, वी हैव टू ईयर, टू लिप्स, एनीथिंग टू एग्जिस्ट, टू वर्क, वी नीड टू हैव डुअलिटी। क्लियर? लेकिन ये जो लॉ है, अब वो हमारे इससे क्रिस्टल का क्या रिलेशनशिप है? अब ये बताओ, माइंड बॉगलिंग। यूज योर माइंड्स, एक्सरसाइज करो, बताइए। क्या रिलेशनशिप है इस डुअलिटी का क्रिस्टल से? कुछ रिलेशनशिप है? मैम, सोर्स का कनेक्टिविटी है,
जैसे हमारे सोचेस के अकॉर्डिंग। यस, सिर्फ कनेक्टिविटी है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड डुअलिटी। टू अंडरस्टैंड दिस कॉस्मोस, दिस यूनिवर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड डुअलिटी। ठीक है, डार्कर साइड, क्योंकि हम हील क्या कर रहे हैं, एक चीज को हील कर रहे हैं दूसरी चीज को अचीव करने के लिए, ये डुअलिटी का है ना। जिस चीज को अगर हम नेगेटिव कहते हैं, मेरे लिए जो नेगेटिव है हो सकता है वो आपके लिए पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हीलिंग के अंदर हम कुछ भी चीज को नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहते, ये ना एक रूल है। हम फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव करते रहते हैं, नो, देयर इज नथिंग नेगेटिव, देयर इज नथिंग पॉजिटिव, बिकॉज द थिंग विच कैन बी पॉजिटिव फॉर मी कैन बी नेगेटिव फॉर यू, है ना। तो एक चीज को हमें सिर्फ एक पैटर्न को हील करना है टू अचीव द फर्स्ट पैटर्न, तो इसका मतलब, इसलिए डुअलिटी हमें चाहिए, हमें बैलेंस बिठाने के लिए। डुअलिटी इज रिक्वायर्ड टू अटेन द बैलेंस। सीसॉ होता है ना, सीसॉ। हम हीलिंग से क्या कर रहे हैं, वी आर दी जो बीच में उसका जो बैलेंसिंग एक पॉइंट होता है, हम वो हैं, और इधर सीसॉ, ये डे एंड नाइट एंड एवरीथिंग, मतलब हमें इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ चाहिए। ठीक है, दिस इज वाई डुअलिटी इज रिक्वायर्ड, दिस इज वेयर इट इज रिक्वायर्ड। मीठा, मीठे की वैल्यू कब है, जब नमकीन है। अगर नमकीन नहीं होगा तो हमें मीठे की वैल्यू नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो देखिए, इफ यू टॉक अबाउट गुड हेल्थ, आज आपको एक अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, ठीक है, उसके लिए यू नीड टू हैव क्या कह सकते हैं, गुड हार्ट बीट, गुड एवरीथिंग, मतलब सारे ऑर्गन्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं ना वाइटामिन, अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेस ऑफ वाइटामिन इज ऑल्सो अ बीमारी, एंड अगर जो डेफिशिएंसी होती है वो भी एक बीमारी है। वाइटामिन भी हमें एकदम बैलेंस में चाहिए होते हैं, हर चीज बैलेंस में ही चाहिए होती है। वो बैलेंस लाने के लिए क्रिस्टल्स जरूरी है। हीलिंग कैसे होगी, बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेटरी फील्ड, हर ऑर्गन की, हर एक जो वर्ड भी होते हैं ना, वट एवर आई एम स्पीकिंग, दे हैव द वाइब्रेटरी फील्ड, हर चीज की वाइब्रेटरी फील्ड होती है। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, दे मैच द वाइब्रेटरी फील्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एनर्जी देके उसको एक लेवल से उठाकर लाके इधर ले आते हैं। सपोज अगर ऊपर है तो वो ऊपर से इधर ले आएंगे, नीचे है तो नीचे से। उनके लिए ये मैटर नहीं करता क्या चीज ज्यादा है या कम है, वो सिर्फ बैलेंस में लाते हैं उनको। अगर वो इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो बस उसको लाना है इस लेवल पे, हमें सिर्फ उसका कनेक्शन करना है। क्या कर, तार जोड़ दे रहे, भाई दिस इज द इशू, आपका हमने वायर इससे जोड़ दिया, अब आप इसको इस लेवल पे ले आओ। सिंपल भाषा में समझ आया क्रिस्टल कैसे काम करेंगे। क्रिस्टल्स के अंदर अपनी एक वाइब्रेटरी फील्ड होती है बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। हजारों कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, कितने ज्यादा वेरिएशंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस भी होती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे क्रिस्टल्स को अलग अलग वेरिएशंस में करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा क्रिस्टल की कितनी वैरायटीज होती है।